कुछ महीने पहले व्हाट्सएप ने डिलीट फॉर एवरीवन फीचर लॉन्च किया था। डिलीट फॉर एवरीवन फीचर से गलती से भेजे गए किसी मैसेज को व्हाट्सएप यूजर्स को डिलीट करने का मौका मिलता है। जहां पहले मौका सिर्फ 7 मिनट था, वहीं अब इस लिमिट को बढ़ाकर 4096 सेकंड यानी 1 घंटा 8 मिनट 16 सेकंड कर दिया गया है। इस नए टाइम अपडेट को सबसे पहले एंड्रॉयड बीटा वर्जन ने देखा था और इसके iOS वर्जन पर रोल आउट किए जाने की उम्मीद थी। आपको बता दें कि व्हाट्सएप बीटा बिल्ड में होने वाले बदलावों को ट्रैक करने वाले ट्विटर अकाउंट वी बीटा इन्फो ने जानकारी दी है कि कंपनी ने iOS यूजर के लिए नया टाइम अपडेट जारी कर दिया है। वी बीटा इन्फो ने ट्वीट पर लिखा, ऐप स्टोर पर व्हाट्सएप iOS का नया अपडेट 2.18.31 मौजूद है। यह अपडेट बग फिक्स के लिए है, लेकिन डिलीट फॉर एवरीवन फीचर के लिए टाइम लिमिट को 1 घंटा 8 मिनट और 16 सेकंड तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि अब iOS यूजर 1 घंटे के अंदर भेजे गए किसी अनचाहे मैसेज को डिलीट कर पाएंगे। यह फीचर ग्रुप और इंडिविजुअल चैट दोनों में काम करता है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।